हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे चैनल टेक्निकल हनी मूव में। तो आज वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक न्यूज़ देना चाहता हूँ। दरअसल वो एक शॉकिंग न्यूज़ है। हाँ, 1 अप्रैल से स्मार्टफोन यूज करना महंगा पड़ सकता है, क्योंकि सभी टेलीकॉम कंपनियां अपना रेट बढ़ाने वाली हैं। तो चलिए अब हम अपने वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक नया स्मार्टफोन, जो कि LG की तरफ से 24 फरवरी 2021 को आ चुका है। और ये एक एंट्री लेवल स्मार्टफोन है। तो आइए हम इसके कुछ फीचर जान लेते हैं। तो यहाँ पर LG Phonix 5 के अंदर आपको 2 GB रैम मिलेगी, 425 का स्नैपड्रैगन मिलेगा, उसके बाद डबल रियर कैमरा मिलेगा, 8 MP 2 MP फ्रंट कैमरा, 5 MP का मिलेगा, उसके बाद बैटरी 3000 mAh की मिलेगी, उसके बाद जो डिस्प्ले है वो रहेगा 5.5 इंच का। उसके बाद आपको जनरल फीचर मिल जाएंगे। यहाँ पर ये फ़ोन एंड्रॉयड 9.0 पाई पर काम करेगा। फिर यहाँ पर आपको डिस्प्ले के फीचर मिल जाएंगे। स्क्रीन साइज 5.5 इंच की रहेगी। उसके बाद स्क्रीन रेशियो 720x1560 का रहेगा। उसके बाद परफॉर्मेंस के फीचर मिल जाएंगे। एड्रीनो 308 का रहेगा। उसके बाद यहाँ पर स्टोरेज की अगर मैं बात करूँ तो वो 16 GB तक का इंटरनल स्टोरेज मिलेगा। इसके अंदर आप लोग 64 GB तक का एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हो। फिर यहाँ पर कैमरा के फीचर मिल जाएंगे। इमेज रेशियो 3264 से 2448 तक का मिलेगा। फिर आपको फ्रंट कैमरा के फीचर मिल जाएंगे। फिर आपको यहाँ पर बैटरी के फीचर मिल जाएंगे। 3000 mAh की लॉयन टाइप की बैटरी मिलेगी। उसके बाद यहाँ पर नेटवर्किंग के फीचर मिल जाएंगे। फिर यहाँ पर मल्टीमीडिया में लाउड स्पीकर मिलेगा, ऑडियो जैक 3.5 mm का मिलेगा। उसके बाद स्पेशल फीचर मिल जाएंगे। तो आइए अब हम इस फ़ोन के कुछ फोटोग्राफ देख लेते हैं। तो ये फ़ोन कुछ इस तरह से दिखेगा। तो अगर आपका बजट केवल 5000 से 8000 के बीच है, तब आप लोग LG Phonix 5 को केवल 7499 रुपये में ख़रीद सकते हैं। और ये फ़ोन 24 फरवरी 2021 को लॉन्च हो चुका है। तो ये था LG Phonix 5। तो मैं एक बार फिर सबको सावधान कर देता हूँ, क्योंकि 1 अप्रैल से फ़ोन चलाना महंगा पड़ सकता है, क्योंकि सभी टेलीकॉम कंपनियां अपना रेट बढ़ाने वाली हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और
पीछे की आवाज़ों को अवॉइड करें।